ज्ञानी गुरमुख सिंह को एसजीपीसी द्वारा श्री दमदमा साहिब से सेवामुक्त किए जाने के बाद अब ज्ञानी गुरमुख सिंह ने इस संबंधी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो ये फैसला हुआ है उस संबंधी उन्हें कोई जानकारी नहीं है और ना ही उनके समक्ष कोई लिखती पत्र आया है। लेकिन जैसे ही उनके ध्यान में ये फैसला आया, इस मामले में उनकी मांग है कि जो वह पिछले समय से कर रहे थे उस संबंधी एक मर्यादा कमेटी बनाई जाए जिससे कि उनको पता चल सके कि गलत कौन है। देखो, अजय तक मेरे पास फैसले की कापी नहीं आई। जदों फैसले की कापी आएगी उस तो बाद मैं देखांगा कि इसके ऊपर करना की है। पर सब तो वड्डी गल मैं आप जी नूं दसनी चाहुंदा है कि मैं किसी उपर किसी प्रकार की इल्जामबाजी नहीं की। ये धन शहीद बाबा दीप सिंह जी महा जी पावन पदवी कलगीधर पातशाह जी ने तख्त श्री दमदमा साहब जी के पातशाही अस्थान से जथेदार वजो नीयत की। वो महान पदवी का शिंगार मैनू प्राप्त होया। पंथ अगे समय समय अनुसार मैनू कई बार स्पष्टीकरण देने ये साडा एक फर्ज बनता है। मैं वो पंथ अगे एक स्पष्टीकरण दिता जो मेरे उपर इल्जामबाजी हो रही थी। और ये संबंध में जे बादल परिवार को कृपाल सिंह जी बडूंगर को कोई गिला सी तो यह सांझे तौर पर खालसा पंथ विचों पंजा जा सत्तां गुरसिखां दी कमेटी का गठन कर दे और साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी पावन हजूरी विच बैठ के मेरे पासों ये पड़ताल कर दे। जे मैं गलत किया मैं सारे अहुदे अपने आप छड्ड दूँ। जे ये गलत साबित होए बाकी दे जथेदार साहब भी बैठन, क्योंकि मैं आप जी नूं दसना चाहुंदा है कि 16 सितंबर सन 2015 की रात को CM की कोठी प्रकाश सिंह जी बादल की उत्थे सरकारी रिकॉर्ड विच सिंह साहब ज्ञानी गुरबचन सिंह की गड्डी का नंबर नोट है और सारिया साड़ी टैलीफोन लोकेशन उस समय उत्थे आउणगियां। ये कढ़ के देखन मैं तो सारे को सच किया है। अगली रणनीति मेरी नहीं, ये सतगुरु कलगीधर पातशाह जी ने और 6वें पातशाह जी ने। आप जी देख रहे हो खुद कि संसार भर में रहिंदा खालसा पंथ इस वक्त मेरे नाल किन्नी हमदर्दी विच है। उन्होंने फैसला अपने आप ही सतगुरु जी ने उन्होंने करवा लिया।